टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द म्यूटेशन। ठीक है भाई, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ओके तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हेरिटी एंड इवोल्यूशन साइंस 2 हमने वहां पे पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में। ठीक है सेकंड पेज में आप जाके देखना, म्यूटेशन अच्छे से आपको मिल जाएगा। म्यूटेशन इट इज नथिंग बट सडन चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सम चेंजेस इन जीन, यानी कि जो बॉडी का सेल है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, तो जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाना और उन्हें म्यूटेशन की वजह से अपने अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। और ये म्यूटेशन जो होता है ये जीन्स में चेंजेस की वजह से आता है। सडन चेंज मतलब अनसर्टेन चेंज भी आप कह सकते हो, अचानक से कुछ ऐसा चेंजेस जीन्स में आ जाना जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की लाइफ ही चेंज हो जाती है। ठीक है तो ये जो चेंजेस है ये फिनोटिपिकली भी आप इन्हें देख सकते हो। लाइक देखो एल्बिनिज्म नाम की बीमारी जिसमें क्या होता है सारे के सारे जो मतलब बॉडी कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, गोल्डन ब्राउनिश कलर, और जो आईज होती है वो भी गोल्डन ब्राउनिश, पूरे हेयर वगैरह सभी ब्राउन बन जाते हैं। ठीक है तो ये एल्बिनिज्म बीमारी है जो कि ये म्यूटेशन की वजह से ही होती है, यानी जीन्स में कुछ ना कुछ सडन चेंज हो जाना यही होता है म्यूटेशन। तो ये फिनोटिपिकली यानी फिजिकली भी दिखता है, तो जो चीज फिजिकली दिख रही है ठीक है यानी कि जो जीन्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब ही हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर आपको पता होगा ना रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट का जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है तो उस टाइम पे हमारे सेल में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। दो सेल्स के बीच में यहाँ पे जो डॉटर है यहाँ पे अपने पास क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक दूसरे में इस तरीके से क्या होते हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ठीक है तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना इस टाइम पे यहाँ पे म्यूटेशन में क्या होता है जीन्स का ट्रांसफर होते हैं। तो अगर कोई भी इंसान या मेल या फीमेल उसको कोई भी अगर सपोज मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर से ड्यू टू म्यूटेशन तो ये भी क्या हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो म्यूटेशन होता है ये इनहेरिट होता है, तो इसके वजह से भी अपने अंदर बॉडी में इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है मतलब जीन्स की वजह से म्यूटेशन जो बीमारियां हैं इनका भी इवोल्यूशन हो सकता है। मतलब जनरेशन आज से 1000 ईयर्स वो किसी की अगर स्पेसीज में कोई अगर बीमारी रही होगी जीन्स की वजह से तो मे बी वो आज इवॉल्व होगी वो बीमारी फिर से हो सकती है किसी इंसान में। ठीक है तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है। सिमिलर वे में अभी हम यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ द म्यूटेशन के बारे में समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक तो म्यूटेशंस बहुत अच्छे समझूंगा कि भाई लार्ज होता है सडन एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेरिएशंस हैं और सडन वेरिएशंस होती है जो, ठीक है, और इन सडन वेरिएशन के साथ साथ मैं कहूंगा कि यहाँ पे भाई डिसकंटीन्यूअस, जरूरी नहीं कि हर एक एनिमल मतलब ए कोई एक इंसान है और इसके अंदर कोई भी मान लो म्यूटेशन की वजह से बीमारी हो गई तो जरूरी नहीं कि इसके चाइल्ड में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखो अभी कैरेक्टर अंदर जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर चाइल्ड में रेसेसिव हो जाए, ठीक है, डोमिनेंट ना रहे तो वो चाइल्ड में हुआ म्यूटेशन के जो भी फिजिकल नहीं दिखेगा उसके अंदर कोई भी मतलब जो भी बीमारी होगी जेनेटिकली वो नहीं दिखेगी, वो रेसेसिव कैरेक्टर इसके अंदर रहेंगे और डोमिनेंट अच्छे वाले हो जाएंगे। ठीक है बट मे बी उसके आगे की जनरेशन में वो जो कैरेक्टर थे जो म्यूटेशन वाले कैरेक्टर थे वो उसके आगे की जनरेशन में हो सकते हैं, मतलब यहां से ग्रैंडफादर से चाइल्ड में चले गए, समझा कि नहीं, इस तरीके से थ्रू दी चाइल्ड, मतलब ये जो फादर था इसके चाइल्ड के थ्रू, तो इस तरीके से यहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है और ये चेंजेस इनहेरिटेबल होते हैं पहली बात तो, ठीक है ये आप चीज याद रखना। और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक रॉ मटेरियल है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जीन्स के थ्रू जो इवोल्यूशन होता है इसका एक टाइप का रॉ मटेरियल, सिंपल सी बात है। ये हार्मफुल यूजफुल दोनों होता है क्योंकि यहाँ पे नेचर इन्हें भी सिलेक्ट करता है, ऐसा नहीं है मतलब जिनके अंदर म्यूटेशन होता है उनको भी नेचर सिलेक्ट करता है, इसीलिए इनका यूजफुलनेस भी और हार्मफुलनेस है। यूजफुलनेस ये है कि इनको नेचर सिलेक्ट करता है, हार्मफुलनेस ये है कि बेचारे के पास बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है तो ये मेन चीजें अच्छे से आपको याद रखने हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स देके रखे हैं आपको, कोई चार फीचर याद करने हैं और चार मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है बाकी चीजें तो आप अच्छे से यहां पढ़ सकते हो। हार्मफुल म्यूटेशन मे परसिस्ट और गेट एलिमिनेटेड बाय द नेचर, मतलब ज्यादा हार्मफुल अगर नेचर रहा तो अगर किसी इंसान के अंदर जेनेटिकली अगर ऐसा कुछ हो गया प्रॉब्लम हो गई कि सपोज किसी को क्लाइनफेल्टर डिजीज हो गया जो कि आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो क्या वो उनके आगे की जनरेशन बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो अगर किसी को क्लाइनफेल्टर डिजीज है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है, तो अगर किसी को क्लाइनफेल्टर डिजीज है भी, ठीक है, क्लाइनफेल्टर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर अगर किसी को डिजीज है भी तो वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी जनरेशन आगे कभी नहीं बनेगी, तो ये पेरिश हो जाएंगे। पेरिश मीन्स इनका नामो निशान नेक्स्ट जनरेशन में मिट जाएगा। ठीक है तो इनको नेचर क्या करेगा, एलिमिनेट कर देता है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेशन के फीचर्स भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी है म्यूटेशन थियोरी के कि भाई ये पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है और हिगो डी वरीज एक यहाँ पे बायोलॉजिस्ट थे,
जिन्होंने क्रोमोसोमल ऑबिरेशन के बारे में बताया कि अगर जिसको म्यूटेशन होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोमल एबिरेशन हो जाता है। क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब ये है कि किसी को अगर क्रोमोसोमल डिसीजेस होती हैं तो क्रोमोसोमल डिसीजेस की वजह से फिजिकली चेंजेस, मेंटली चेंजेस, ठीक है, बॉडी के अंदर केमिकली चेंजेस जो होते हैं, तो ये सारे चेंजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एबिरेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। और ये हमें रिप्रेजेंट भी होती है, यानी दिखते भी है, सीधे आप फिजिकली इन्हें देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे मतलब जो भी क्रोमोसोमल एबिरेशन, तो इनका भी नॉर्मली म्यूटेशन से ही वास्ता है, मतलब ये भी म्यूटेशन के थ्रू ही सारे के सारे माइनर चेंजेस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जो रेट ऑफ म्यूटेशन है, ये बहुत स्लो होता है, इसलिए हम मे बी इन्हें इवोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम कंपेयर करें विद द इवोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही स्लो है। मतलब देखो क्या होता है, पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस है, कि मान लो ये ग्रैंड फादर है, इनसे चिल्ड्रन बनेगा, फिर इनका भी चिल्ड्रन बनेगा, फिर इनका भी चिल्ड्रन बनेगा, तो जरूरी नहीं कि ये इनके पास अगर म्यूटेशन था तो इनके चिल्ड्रन में आ जाए, वो आगे की जनरेशन में जाएगा, फिर इसके आगे के आगे की जनरेशन में जाएगा, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता तो हम मानते कि भाई हाँ ये अच्छा इवोल्यूशन है, बट ये इवोल्यूशन का अच्छा एग्जांपल नहीं है म्यूटेशन, बिकॉज ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और ऐसे ही क्रोमोसोमल एबिरेशन भी होता है, ये भी बहुत लिटिल सिग्निफिकेंस दिखाता है, मतलब बहुत कम लोगों में, मतलब अगर 100% पॉपुलेशन है तो इसमें से 80% लोग अच्छे रहेंगे, 20% लोगों में ही क्या होता है क्रोमोसोमल एबिरेशन यानी कि म्यूटेशन होता है, यानी कि किसी को क्लाइन फिल्टर हो जाएगा, किसी को मतलब एल्बिनिज्म हो जाएगा बीमारी, किसी को कोई और बीमारी मतलब हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो कुछ ऐसी म्यूटेशनल बीमारियां होती रहती है, ठीक है, और जो कि क्वाइट अनस्टेबल भी है, मतलब जरूरी नहीं कि फिक्स रहेगा, बीमारी होती ही रहेगी, मे बी एलिमिनेट भी हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो गाइज अभी आज हम लोग को अभी आगे पढ़ना है मॉडर्न थियोरी के बारे में, ठीक है। एग्जैक्टली भाई मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, और ये पूरा चार्ट एग्जाम में आपको याद करके जाना है, ठीक है। इसमें तीन टाइप आते हैं, पहला हो गया जेनेटिक वेरिएशन का टाइप, दूसरा हो गया नेचुरल सिलेक्शन, ये तो आप आसान है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, यही चीज उधर भी बतानी है, और आइसोलेशन हो गया। ये तीन टाइप है मॉडर्न थियोरी के, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में इस तरीके के थ्री टाइप है, पहला है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है आइसोलेशन। जेनेटिक वेरिएशन में मैंने आपको बता दिया कि जो म्यूटेशन वगैरह है, जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जब मेल एंड फीमेल का जो गैमेट से कंबाइन होता है, तो वो रिकॉम्बिनेशन होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जीन्स के जो ट्रांसफर होते हैं वो डिफरेंट, मतलब मेल का जीन्स अलग रहेगा, फीमेल का जीन अलग रहेगा, तो उनमें क्या होगा भाई, चेंजेस होंगे ना जीन्स में, तो वो जेनेटिक वेरिएशन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन, तो वही जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, सिंपल सी बात है, चाहे आप नॉलेज की बेस पे फिट रहो, इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप नॉलेज की बेस पे फिट हो तो अच्छी बात है, अगर फिजिकली फिट है तो भी अच्छी बात है, अगर आप सपोज मेंटली फिट हो या फिर कैसा भी करके आप पैसे से फाइनेंशियली फिट हो, तो भी आप नेचर में मतलब इस दुनिया में सर्वाइव करोगे, वरना यू विल बी पेरिश्ड वन डे, ठीक है, तो एक ना एक दिन आप नहीं तो पेरिश हो जाओगे, अगर ना ही आपके पास नॉलेज है, ना ही आपके पास फिजिकल बॉडी है, ना ही आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो एक दिन आप पेरिश हो जाओगे, या फिर किसी का भीख मांग के खाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है, और कुछ दिन बाद आपकी जनरेशन को नेचर क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, आपको खत्म कर देगा, तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रिंसिपल है। सेम आइसोलेशन, आइसोलेशन में क्या होता है, हम सारी चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो एक ये पॉपुलेशन है, एक एरिया में कोई एक डिफरेंट टाइप की ये पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, और यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट करके दूसरे जगह आइसोलेट हो गई, दूसरे वाले जगह में चली गई, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल थे, तो ये मेटिंग अच्छी खासी कर सकते थे, ठीक है, इनके यहाँ पे जो मेटिंग का एरिया था, मतलब मेच्योर भी थे और अच्छी खासी मेटिंग इनपे होती थी, बट अगर कोई मेल एंड फीमेल दूसरे एरिया में चले गया, तो अब ये वहां के लोगों से मेटिंग करेगा, तो वहां पे क्या होगा, भी जेनेटिक चेंजेस होंगे यहां पर भी, और यहां पे न्यू स्पीशीज क्रिएट होंगी, ठीक है। अगर सपोज मैं बात करूं कि कोई सपोज इंडियन, कोई मतलब सपोज वुमेन है, ठीक है, या गर्ल की बात करूं, ठीक है, तो वो अगर सपोज अमेरिकन बॉय वहां पे गई और वहां पे सपोज मैरिज वगैरह हो गया, तो वहां से जो भी नॉर्मली जो न्यू मतलब जनरेशन होगी, तो इंडियन एंड अमेरिकन जीन्स में क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, और वहां पे न्यू स्पीशीज मैं कह सकता हूं, या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू मतलब जनरेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हैबिटेट में आइसोलेशन करके हम नए नए स्पीसीज, नए नए जनरेशन का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से आपको अच्छे से याद रखना, तो इनके अंदर भी हमें चीजें पढ़नी है, आइसोलेशन किस किस तरीके से होता है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये हमको पढ़ना है। बहुत कंसेप्चुअल और बहुत मजेदार हिस्टोरिकल चीजें हैं, स्टोरी वाली चीजें सारी की सारी। तो लाइन से हम पढ़ते हैं, पहली बात कौन सी है इसमें जेनेटिक वेरिएशन में, कि जीन्स म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो आपको पता है, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन, ठीक है,
जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम में, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है ना, मियोसिस 2 के पैचिट इन में क्रॉसिंग ओवर होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, और यहाँ पे जीन्स में म्यूटेशन भी होते हैं। तो चलो देखते हैं अच्छे सारी चीजों को। पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न थियरी के बारे में भाई, कि मॉडर्न थियरी क्या बात करता है, कैसी बातें करता है भाई, जीन्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न थियरी जो है नॉर्मली बायोलॉजिकल डिसिप्लिन को भाई फॉलो करता है। पहले डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, चाहे वो इवोल्यूशन में हो चाहे किसी इंसान की ग्रोथ में हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो बायोलॉजिकल डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरी बात, डिसिप्लिन जेनेटिकली, इकोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, जियोग्राफिकली, पैलियोंटोलॉजिकली, मतलब क्या होता है पुराना, ठीक है, पैलियोंटोलॉजिकली मतलब पुराने से पुराना, एंसियंट, ओके, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट, एनाटॉमिकली मतलब बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर, जेनेटिकली मतलब जीन से रिलेटेड। तो ये सारे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं म्यूटेशन के मैकेनिज्म को। दूसरी बात बताऊंगा, जब भी कभी भी कोई सपोज इंसान है, सपोज मैं अगर बोलता हूँ कि कोई भी एक एरिया है, रीजन है जहां पे एक जैसे इंसान रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक जैसे इंसान रहेंगे तो वहां पे अभी उन सेम स्पीसीज के पॉपुलेशन बन जाएगी। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में सब सेम दिखते हैं, ठीक है, मतलब कैसा, हमको दो हाथ है, दो पैर है, दो आईज है, ठीक है, और हमको नोज है, माउथ है, 32 टीथ है, लीवर है, अपनी बॉडी के अंदर हार्ट है, हमारे पास इमोशंस है, ब्रेन है, ये सारी चीजें हमारे पास है। तो हम एक सिमिलर स्पीसीज है जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है, तो हमारी एक पूरी पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही कोई हाथी है तो हाथी की पॉपुलेशन यानी एलिफेंट की बन जाएगी, हॉर्स की पॉपुलेशन, डॉग की, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सभी की पॉपुलेशन बन जाएगी, ओके। तो ऐसी एक एक पॉपुलेशन बन जाएगी ड्यू टू देयर मतलब एरियाज, या फिर आप कह सकते हो जीनेटिक या फिर इंटरब्रीडिंग के बीच में। अभी यहाँ पे सपोज एक डॉग है एंड अगर सपोज यहाँ पे एक कैट है, तो कुत्ते बिल्ली तो मेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो इनका यहाँ पे इंटरब्रीडिंग नहीं है, बट ह्यूमंस है यानी मेल एंड फीमेल यहाँ पे मेटिंग होगी, तो हम इसे इंटरब्रीडिंग कहते हैं, और इससे जो भी पॉपुलेशन बन रही है तो इसे हम इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है, यानी कि सिमिलर पॉपुलेशन कहेंगे। तो इस चीज को डिस्क्राइब मेंडल ने किया था, इसीलिए हम इसे मेंडेलियन पॉपुलेशन भी कभी-कभी कहते हैं, ओके। चलो अब एक चीज आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो सभी के जीन्स नॉर्मली 99% तक क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मतलब 99% जो जीन्स होंगे वो सिमिलर होंगे, जस्ट 1% जीन्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, और इसी की वजह से बॉडी में वेरिएशन आता है, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देखो जीन पूल क्या होता है ये हमको पढ़ना है, और 2017 के पेपर में आपके जाके देख लेना कि जीन पूल एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछा था, और डिफाइन जीन पूल, एग्जैक्टली जीन पूल क्या होता है। तो इस पॉपुलेशन के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी, मतलब ये एक एरिया, सपोज हम ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो हमारे पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में पॉपुलेशन है, ओके, तो इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स होंगे, टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन दैट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जीन पूल कहलाएगी। यानी कि द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन अ सम टोटल जीन इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, वही पॉपुलेशन जो इंटरब्रीडिंग करती है, इंटरब्रीडिंग करके नई पॉपुलेशन बनाती है। यानी हम ह्यूमन बींग्स भी तो इंटरब्रीड करते हैं, यानी ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब ह्यूमन बींग्स है वो हॉर्स के साथ मेटिंग करके कुछ नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ओनली तो यही चीज है यहाँ पे, हम इंटरब्रीडिंग यानी खुद में ब्रीडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो भी टोटल जीन्स होंगे, ठीक है, मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सारे एक एक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन में, वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम जीन पूल कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जीन पूल मींस द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। मतलब मान लो ये एक एरिया है, अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, तो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे अपने जितने भी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंसान इस धरती में रहते हैं, तो सभी की जो भी जीन्स है, सभी का टोटल जीन्स का जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक कंप्यूटर में आएगा, या कहीं भी आप कंप्यूटर में या फिर कहीं भी पेपर में आप कलेक्ट करते हो, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम जीन पूल कहेंगे, ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और मॉडर्न थियरी में क्या क्या अप्लाइड है वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो जीन पूल है ये चेंज भी हो सकता है। मान लो ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरा हैबिटेट है, यहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे स्पीसीज के लोग रहते हैं, तो यहाँ से अगर कोई माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाए, तो
यहाँ का कुछ हिस्सा जो रहेगा, कुछ मतलब पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई, तो यहाँ पे अभी जीन पूल, जो यहाँ का जीन पूल रहेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आके मेटिंग करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ के इंसान यहाँ पे आके मेटिंग करेंगे, हैबिटेट चेंज हो गया उनके लिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है भाई। जब चेंज करेगा यहाँ से कोई भी इंसान, तो उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज होगा, फूड का, रहन सहन, खाना पीना, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में, जेनेटिक पूल में भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो माइग्रेशन बहुत पॉपुलेशन में इफेक्टिवली अल्टर करता है इन दी जीन पूल, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, इसे अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मॉडर्न थियरी जो थी, सिंथेटिक थियरी जो होती है, इस तरीके से जो चेंजेस करते हैं हम लोग, जो अभी हमने देखा, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से पॉपुलेशन का माइग्रेशन करके जीन पूल जो हमने समझा, तो ये जो मॉडर्न थियरी है, यहाँ पे थ्री टाइप से डिफाइन होती है, पहला जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू, तीसरा हो गया यहाँ, दूसरा हो गया नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा हो गया आइसोलेशन, और इसी चीज को अभी हमें पढ़ना है।